जनपरी मेरा नाम है, आई न्यूटन में रहिश है और आज का मेरा सबक जो है वो है हरकत और एराब। किसी भी जुबान को समझने के लिए उसमें हरूफ तहजी होते हैं, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी और उर्दू में अलिफ बे थे, और अरबी में जो कायदा है उसको समझने के लिए हरकत और एराब की बहुत अहमियत है। हरकत अरबी में जो हरकात है, इसी तरह अरबी में हम जब देखते हैं कोई, मैं लफ्ज ले लेता हूं जैसे सालिम, इसके ऊपर इसमें जो जिन पास में जो हरकत ये तरमीन वगैरह या जेर जबर आएगी ये इसकी हरकत होंगी, और इसके आखिरी लफ्ज पे जो हरकत आएगी इसको हम एराब कहते हैं उसका। और अरबी को समझने के लिए और पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हरकत की बहुत जरूरत होती है, इसके बगैर हमें पढ़ना मुश्किल है, और इसको इसका तर्जमा करने के लिए एराब की बहुत ज्यादा अहमियत है। एराब के जरिए से हम इसको इसका तर्जमा करने में आसानी होती है, और इसको दो इसके दो जो हरकात है इसको हम इल्मे नहव इल्मे नहव भी कहते हैं, और जो इसके जो एराब है इसको हम इल्मे सख कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। माशाल्लाह।